सो गाइस सिंपली पहले आप सभी को करना क्या, इस बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्स बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद जाना है ऐड फोटो में। ओके गाइस, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिस्क कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड रिस्क करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप सिंपली उन दोनों वीडियो को देख लेना एंड अपने बैकग्राउंड को सिंपली रिस्क कर लेना। ओके गाइस, तो मैंने मॉडल को ले लिया। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना है, साइज को आपको सिंपली आपको अपने हिसाब से रख लेना मैनेज करके, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। ठीक गाइस, तो इसलिए रख लेना ऐसे ही। ठीक है, एंड उसके बाद जाना गाइस टूल्स में, एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को ब्राइटनेस को पूरी 100 माइनस कर देना है। एंड इरेजर टूल में जाना है एंड इसको इन्वर्ट कर देना है। एंड ब्रशेज में जाकर आप सबको नीचे जूम करके इस तरीके से आपके शूज़ के नीचे इस तरीके से शेडो क्रिएट करनी है गाइस। ठीक है, दोनों तरफ आपको कर लेनी है। ओके गाइस, एंड इरेजर से गाइस जो ये साइड साइड में हो गया, हम इसको इरेज कर लेंगे गाइस। एंड सिंपली यहाँ से करेंगे डन। सॉरी गाइस, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ से करेंगे डन। एंड इसकी ओपेसिटी को रखेंगे हम थोड़ा सा, मतलब 57 तक। एंड यहाँ से करेंगे डन। एंड गाइस जाएंगे हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हमें करने का इस लाइक का पिंज लेना है गाइस। ठीक है, इसको हमें सिंपली अपने हेड के ऊपर लगाना इस तरीके से। एंड गाइस सिंपली यहाँ पर लगाने के बाद गाइस क्या करना क्या है, हमें ऐसे लगा लेना है एंड कर देना डन। ओके गाइस, सो अब हमें क्या करना है गाइस, ऐड फोटो में जाना है गाइस एंड एक लाइट का पिंज लेना है गाइस। ठीक है, वो लाइट का पिंज हम गाइस इसलिए लेंगे ताकि गाइस जो ऊपर हमारे जो लाइक का पिंज लगाया गया उस पर हमें रिफ्लेक्शन देना, तो इसलिए हम ये लाइट का पिंज लेंगे। तो गाइस पहले हमें इसे येलो कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफेक्ट्स में जाएंगे, इसके लिए हम इफेक्ट्स में जाने के लिए गाइस हम कलर्स में जाएंगे, कलराइज में जाएंगे। फिर उसके बाद ह्यू को गाइस हम कम करेंगे एंड देखेंगे येलो कलर कहाँ आ रहा था, वहाँ से येलो कलर ले लेंगे। एंड गाइस उसके बाद हम आप सभी को करना क्या है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है। एंड सिंपली आप सभी को अपने लाइक के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, एंड सिंपली कर देना डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या है गाइस, ऐड फोटो में जाना है गाइस, दोबारा से ऐड फोटो में जाना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है उसमें, सॉरी गाइस, वो पार्टिकल का पिंज लेना गाइस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली सबको डाउनलोड कर लेना। सो मैंने ये पिंज ले लिया। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस हमें रखना है स्क्रीन। ओके गाइस, ब्लेंड में जाएंगे, इसको कर देंगे स्क्रीन एंड कर देंगे डन। एंड गाइस ये साइड में जो फायर जल रहा है, हम इसके लिए रिफ्लेक्शन देने के लिए हम ऐड फोटो में से एक और लाइट का पिंज लेंगे गाइस। ओके गाइस, सो लाइट का पिंज ले लेते हैं। सो गाइस ये लाइट का पिंज ले लिया। एंड गाइस जाएंगे हम इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद गाइस हम कलराइज में जाएंगे। कलराइज में जाने के बाद गाइस हमें इसको ह्यू को माइनस करना है, इसको ऑरेंज टोन में देना है। ओके गाइस, सो इसको हम डन करते हैं। एंड यार यहाँ से करना क्या है गाइस, आप सभी को जाना ब्लेंड में, इसको अभी स्क्रीन करना है गाइस। ठीक है, तो उसको पहले आपको जूम करना है जिस तरीके से। ओके गाइस, एंड जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद इसको इन्वर्ट कर देना है। एंड ब्रशेज में जाना है। एंड गाइस जहाँ जहाँ तक आपके फायर का रिफ्लेक्शन आ सकता है, आपको अपने माइंड से लगा के इस तरीके से आप सभी को नीचे ड्रॉ की तरह करना है गाइस। ओके, सो ड्रॉ कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को देखो करना क्या है गाइस। ठीक है, पहले कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को उसकी ओपेसिटी को थोड़ी सी कम करनी है, थोड़ी सी गाइस, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है गाइस, मतलब 80 तक रख लेना गाइस अपने हिसाब से, 80-90 तक रख लेना। एंड इसके बाद जाना गाइस ब्लेंड में आप सभी को दोबारा। एंड गाइस इसको रखना आप सभी को ओवरले। ओके गाइस, एंड देखिए गाइस परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना है क्या, इसमें करना है कलर करेक्शन, जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो फोटो कर लेंगे हम सिंपली सेव। ओके गाइस, तो फोटो हमने कर लिया सेव। एंड बैक चलते हैं गाइस। एंड गाइस यार अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि यार आप सभी के लिए यार मैंने आज डे की दूसरी वीडियो अपलोड की आज पूरे दिन में। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस आप सभी के लिए मैं मतलब रोजाना ऐसे ऐसे कंटेंट एंड इंस्टाग्राम पे प्रमोशन रखता रहता हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना ताकि आपका अकाउंट भी मैं प्रमोट कर सकूं एंड आप सभी की पोस्ट चेक कर सकूं। सो गाइस हमने फोटो को ओपन कर लिया है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद गाइस हम सबको करना क्या है, इसके एक्सपोजर को कम करना है गाइस। ओके ओके, सो गाइस अब आप सभी को करना क्या है, इसके शेडो को कम करना है एंड ब्लैक को कम करना है गाइस। ओके, सो चलना है नीचे वाले टूल में एंड वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। एंड मिक्स में जाना है, रेड कलर के ह्यू को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को कम कर देना है। ओके गाइस, एंड येलो कलर में जाना है, ह्यू को माइनस में रखना है एंड सैचुरेशन को प्लस में। ओके गाइस, ह्यू को थोड़ा और कम कर लेना है एंड कर देना है ऐसे सिंपली डन। ओके गाइस, एंड जाना है नीचे वाले टूल में। ओके गाइस, एंड उसके बाद क्या करना है गाइस, क्लियरिटी को बढ़ा देना है, डस्ट को बढ़ा देना है, विगनेट डाल देना गाइस। ठीक है, एंड इसका गाइस करना क्या, नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है, नो डायरेक्शन को भी बढ़ा देना है गाइस। ओके, एंड कलर नो डायरेक्शन को भी बढ़ा देना है। सो गाइस जी देखिए, ये मैंने आप सभी के लिए फोटो एडिट कर दिए। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।